फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर हमारी स्ट्रांग हो गई तो हमारा सिलेक्शन 100% श्योर है, क्योंकि बायोलॉजी तो आप ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ते हो। लगभग 80% स्टूडेंट की ये वीक होती है। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी वाले स्ट्रीम से है, बायोलॉजी वाला है, तो उसकी केमिस्ट्री और फिजिक्स लगभग 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो ओके। तो 80% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो बायोलॉजी स्ट्रीम के होते हैं, उनकी फिजिक्स और केमिस्ट्री वीक होती है। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में तो क्वेश्चन आते नहीं है, थ्योरी आती है, वो थ्योरी को बढ़िया से डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, कैलकुलेशन वाली एबिलिटी उनके अंदर बहुत कम होती है। तो आपको स्पेशली ध्यान देना है कि यार ये दोनों चीजें हमारी स्ट्रांग हो सके। फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर हमारी स्ट्रांग हो गई तो हमारा सिलेक्शन 100% श्योर है, क्योंकि बायोलॉजी तो आप ऑलरेडी काफी अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स को बढ़िया से कर लिया बेटा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये आपके सिलेक्शन की गारंटी देते हैं, जिन बच्चे की फिजिक्स बढ़िया है, जिस बच्चे की केमिस्ट्री बढ़िया है, ओके। क्योंकि बायोलॉजी में वो बच्चा ऑलरेडी माहिर है, क्योंकि तभी तो उसने 11th में जाकर के बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है कि कहीं ना कहीं यार मुझे इसमें जाना है, बढ़िया है, अच्छे से ये समझ में आती है। तो अगर आप 360 में से, आपको पता है बायोलॉजी का 360 नंबर का पेपर होता है, इस 360 में से 340 प्लस नंबर अगर आप बायोलॉजी में लेकर आ जा रहे हो तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ही संभालेगा। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 150-150 नंबर लेकर आ रहे हो, 160, अगर मान लो केमिस्ट्री में आप 160 नंबर लेकर आ जाओ और फिजिक्स में 140 नंबर लेकर आ जाओ, तो आपके 640 नंबर बन जाएंगे, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा।